Hardik kept telling me, you know, just believe, believe we can do it, stay till the end. Hello viewers, I can do it, I can't do it. कहा जाता है कि दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, क्योंकि I can do it भी एक बिलीफ है और I cannot do it ये भी एक बिलीफ है, और हमारा माइंड हमारे बिलीफ्स को सच साबित करने में लगा रहता है। और जिसने ये कहा कि आई कैन डू इट, उसका माइंड बहुत सारे रीजंस ढूंढ के लाएगा कि आप इसको कैसे कर सकोगे, और जिसने ये कहा आई कांट डू इट, उसका माइंड भी बहुत सारे ऐसे रीजंस ढूंढ के लाएगा जिससे वो ये साबित करेगा कि आप क्यों इसको नहीं कर पाओगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, हर एक की ज़िंदगी में बिलीफ्स होते हैं, और शायद हमारी प्रेजेंट लाइफ जो है हमारे पास्ट के बिलीफ्स का ही नतीजा है, उसी का रिजल्ट है। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक क्रिकेट मैच हुआ, और जिसमें विराट कोहली ने एक ज़बरदस्त इनिंग खेली और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। और जब मैच के एंड पर विराट कोहली से पूछा गया कि आप अपनी इस शानदार इनिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ ने आपको ऐसी शानदार इनिंग खेलने में आपकी मदद की और टीम को जीत दिलाने में मदद की, तो उन्होंने इसके रिप्लाई में कहा कि मेरे साथ जो मेरे साथी बल्लेबाज थे हार्दिक पांडे, वो बार बार मुझे ये यकीन दिला रहे थे कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, हम इस टारगेट तक पहुँच पाएंगे, और यही यकीन और यही बिलीव जो था इसने मुझे हेल्प की एक अच्छी इनिंग खेलने में। तो इससे ये साबित होता है कि बिलीफ्स कितने पावरफुल होते हैं, कितनी इनमें ताकत होती है हमें अपने टारगेट तक, हमें अपने गोल तक ले जाने की। तो हम भी अपनी लाइफ में अच्छे बिलीफ्स रख सकते हैं, पॉजिटिव बिलीफ्स रख सकते हैं, हम सक्सेस के बिलीफ्स रख सकते हैं, अबंडेंस के बिलीफ रख सकते हैं, हैप्पीनेस के बिलीफ्स रख सकते हैं, और हमारा माइंड इन बिलीफ्स को सच करने में लगा रहेगा, सच करने की, साबित करने की कोशिश करेगा, और हम उन एक्शंस को उठाने में कामयाब हो जाएंगे जिनकी वजह से हम अपने गोल और टारगेट की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और हमारी एक्शंस भी डिटरमाइन करती हैं हमारे बिलीफ्स। तो अच्छे बिलीफ सेट्स हमारे एक्शंस डिटरमाइन करते हैं, और हमारे एक्शंस जो हैं हमारे रिजल्ट्स डिटरमाइन करते हैं। तो लाइफ में अच्छे बिलीफ्स रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।